करौली में आज से केला देवी का लक्खी मेला शुरू हो गया है। देश प्रदेश से भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचकर केला माता के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर परिसर में माता के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। मेले को देखते हुए पुलिस और मंदिर प्रशासन ने भक्तों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस की कई टीमें पदयात्रियों की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर तैनात है। केला देवी मंदिर में 2 अप्रैल को घट स्थापना की जाएगी। तो आपको बता दें, केला माता का लक्खी मेला आज से शुरू हो गया है। केला माता मंदिर में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, मंदिर परिसर में माता के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। पुलिस और मंदिर प्रशासन सुरक्षा के कड़े इंतजामों में लगा हुआ है। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए करौली से हमारे सहयोगी मनोज जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आज से मेले का शुभारंभ हुआ है, क्या कुछ तस्वीरें आप हमारे साथ साझा करेंगे, क्या कुछ तैयारियां वहां पर मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, आधिकारिक रूप से जो मेला शुरू होगा वो 2 अप्रैल से 9 सितंबर तक प्रतिपदा जो होती है, जिस दिन से नवरात्र शुरू होंगे उस दिन से होगा। लेकिन चूंकि पिछले कुछ वर्षों से पदयात्री श्रद्धालु पहले आने लगे हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं मेले में 5 दिन पहले शुरू कर दी जाती है। उसी क्रम में आज से पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं वहां पर लागू कर दी गई है और मेला शुरू माना जा रहा है। श्रद्धालुओं की जहाँ बात करें, समुचित प्रबंध किए गए हैं। पुलिस प्रबंधों की बात करें, मेला क्षेत्र को 3 जोन में बांटकर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। वहीं मंदिर ट्रस्ट की ओर से लगभग 1 किलोमीटर लंबी रेलिंग बनाकर श्रद्धालुओं को उसमें प्रवेश दिया जाएगा, जिससे कि भीड़ नियंत्रण हो सके। रेलिंग में छाया की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए पानी के पाउच वितरित कर पानी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा केला देवी मेला क्षेत्र में सफाई, रोशनी सहित अन्य प्रबंध भी किए गए हैं। वही बस पार्किंग, कार पार्किंग के लिए अलग पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। और केला देवी मेला क्षेत्र में भीड़ एक साथ ना हो, इसके लिए डायवर्ट करके रूट और बाईपास निकाला गया है, जहाँ से श्रद्धालुओं को पहुंचना पड़ेगा। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी पूरा मेला क्षेत्र में नजर रखी जाएगी। कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत, SP शैलेंद्र इंदौलिया पूरे मेले का सुपरविजन कर रहे हैं, और करौली SDM जो मेला मजिस्ट्रेट रहते हैं धीरेन्द्र सोनी, वो भी मेले की व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं। मनोज, कितनी तादाद में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया जा रहा है, और इसके साथ ही गर्मी जो है वो लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, मेला का जो शुरुआती दौर होता है उसमें पदयात्रियों की आवक होती है। अभी पदयात्रियों की आवक हो रही है भरतपुर हिंडौन करौली मार्ग पर, करौली से केला देवी मार्ग पर पदयात्रियों की आवक हो रही है। आगामी 2 दिन में ये पदयात्री श्रद्धालु जो है इनकी आवक और बढ़ेगी। भीषण गर्मी के बीच गर्म सड़क पर ये श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर होकर केला माता के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। इनके लिए जगह जगह भंडारे, विश्राम स्थल और अल्पाहार गृह निःशुल्क जो केला माँ के भक्त हैं उनकी ओर से संचालित किए जाते हैं, जहाँ पर इनको आग्रह पूर्वक भोजन और नाश्ता कराया जाता है और विश्राम स्थल भी संचालित की जाती है। बिल्कुल मनोज, जो घट स्थापना यहाँ पर 2 अप्रैल को की जाएगी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर सही तरीके से कहें तो उसी दिन यहाँ पर केला माता मंदिर में जो मेला है उसका आयोजन किया जाएगा। तो क्या कुछ वहाँ उसको लेकर तैयारियाँ चल रही हैं, और साथ ही पौराणिक कथाओं की बात करें या पारंपरिक, जो इतने दिनों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, क्या कुछ मान्यता है यहाँ पर इसकी? जी बिल्कुल, केला माता के इतिहास की बात करें, लगभग 350 वर्ष पुराना केला माता का मंदिर है, और करौली राज परिवार है वहाँ की कुलदेवी के रूप में भी इस मंदिर यहाँ का मान्यता है, और त्रिकुट पर्वत पर ये मंदिर स्थित है, और सभी से श्रद्धालुओं की आस्था बनी हुई है। समय समय पर जैसे आवागमन के साधन बढ़ते गए, और विशेष रूप से जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र है वहाँ के लोगों में। ठीक है मनोज, दोबारा आपका रुख करेंगे फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।